तो गाइज अभी हम रूम में आ चुके हैं, और ये कौन सी जगह भैया? मचासा पाड़ा। अच्छा, यहाँ नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा है? मीरा रोड। किचन रूम, यहाँ पे खाना वगैरह ये लोग बनाते हैं, यहाँ पे फ्रिज है, और यहाँ पे ये लोग इसमें पूरा पानी भर के रखे हुए हैं। इधर देखो कितनी पतली गलियों में, झोपड़पट्टियों में इनका रूम है। थोड़ा सा आगे आने पर गटर के दोनों किनारे किनारे झोपड़पट्टियाँ, ये देखो गटर के इस किनारे भी, इस किनारे भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मीरा काशी गाँव की झोपड़पट्टियों का नज़ारा दिखाने वाला हूँ, और ये भी दिखाऊंगा कि मुंबई की झोपड़पट्टियों में लोग अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं। रूम के अंदर ले चलकर पूरा रूम का टूर दूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि झोपड़पट्टियों में रहने के लिए कितना रेंट देना पड़ता है, कितना डिपॉजिट देना पड़ता है, और झोपड़पट्टियों का रूम अंदर से कैसा होता है। अभी हम मीरा रोड रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और यहाँ पर भाई साहब पहाड़ों पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही मतलब बद से बदतर ज़िंदगी लोग जीते हैं झोपड़पट्टियों में। तो मेरे सामने पूरा झोपड़पट्टियों का नज़ारा है, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो आज की इस वीडियो में मुंबई में रहने वाले झोपड़पट्टी में लोगों की असली ज़िंदगी दिखाने वाले हैं, कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जीते हैं, किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, रूम के अंदर ले चल के पूरा अच्छे से दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिएगा इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जिस जगह पर चल रहे हैं, दोनों तरफ आपको झोपड़पट्टियाँ ही नज़र आ रही होंगी। देखिए यहाँ झोपड़पट्टियों के बाहर लोग अपने कपड़े टांगे हुए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि अंदर झोपड़पट्टियों में भाई साहब जगह नहीं होती है इतना कि कपड़े वहाँ पर सुखाएं। ये देखो किस प्रकार से लोग यहाँ पर दुकान भी खोल के रखे हुए हैं, और यहाँ की झोपड़पट्टियाँ कैसी होती हैं ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये जितने भी बाहर नीले कलर के टंकी रखे हुए हैं ना, ब्लू कलर के, ये सब लोग पानी भर के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ का पानी ना टाइम टाइम से आता है, वो भी वाटर टैंक लेकर आता है, उससे लोग भर के अपना पानी वगैरह रख लेते हैं। ये देखो भाई, ये है मुंबई की झोपड़पट्टियों की असली सच्चाई, किस तरह से लोग आलीशान आलीशान से बिल्डिंगों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के बीच में रहते हैं, और अपनी फैमिली का जीवन ज़िंदगी जो है वो यापन करते हैं। भाई ये देखो किस तरह से झोपड़पट्टियाँ बनाई गई हैं, पूरा कटरैन चारों तरफ, दीवारों के चारों तरफ कटरैन लगा दिया गया है, कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा वगैरह फेंका गया है, और इन्हीं कचरों के बीच में ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। भाई मजबूर हैं इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि मुंबई में रहना भाई आसान नहीं है। इधर देखो, इधर गटर के किनारे, अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको उधर का भी पूरा वीडियो शूट करके दिखाता हूँ किस तरह से बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखो ये बच्चे उधर खड़े हैं, और ये सामने ही है गटर, गटर में कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा है, कितनी गंदगी है, और यहाँ का नज़ारा देखो, इधर पूरा ये झोपड़पट्टियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और काम करके अपने परिवार की ज़िंदगी भाई साहब जीते हैं अपने परिवार के साथ। इधर का माहौल देखो क्या नज़ारा है। ये मैं आया हूँ काशी गांव के साइड, जो रेलवे स्टेशन है मीरा रोड उसके बाजू में। इधर देखो कितना कचरा है, और इधर देखो एक गली इधर गई है, इधर पूरी झोपड़पट्टियाँ बसी हुई हैं, देखो पूरा आगे तक झोपड़पट्टी है, और इसके किनारे किनारे पूरा पहाड़ है। ये देखो ये गटर के दोनों साइड आपको झोपड़पट्टी देखने को मिल रही होगी, इस बाजू भी, इस बाजू भी। और यहाँ पर देखो किस तरह से लोग सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, ये इन लोगों की डेली लाइफ होती है इसी तरह की। यहाँ पर देखो कितना कचरा है, इसी में सारा कचरा फेंका गया है, और ये झोपड़पट्टी कैसी है देख सकते हो आप लोग। और इधर की झोपड़पट्टियों के हालात देखो भाई, ये नज़ारा देख के काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं ये लोग कूड़ा कचरा यही लोग तो करते हैं। इधर भी देखो कूड़ा कचरा फैला हुआ है हर साइड, जिधर भी आप देखोगे। ये देखो किस तरह से झोपड़पट्टी बनाई गई है, कटरैन डाल के बनाया गया भाई। ये नज़ारा मैं आपको मुंबई का झोपड़पट्टियों का दिखा रहा हूँ। इधर देखो अंकल जी के पास, वो जो अंकल जी नीचे बैठे हैं और बाबा जी गए हैं मिलने उनसे, देखो किस तरह से वो अपनी लाइफ जीते हैं, उनकी झोपड़पट्टियों का नज़ारा देखो। ये बहुत बड़ा गटर है, और गटर के किनारे पहाड़ है, और पहाड़ के किनारे ये पूरी की पूरी झुग्गी झोपड़पट्टियाँ बसी हुई हैं जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। इधर देखो कबाड़ वाले भाई, ये देखने में लग रहा है कि ये कबाड़ इकट्ठा करके बेचते वेचते हैं। इधर पूरा कटरैन से इस झोपड़पट्टी को बनाया गया है। इधर देखो वाटर टैंक खड़ा है, लोग पानी ना इसी वाटर टैंक से भरते हैं, इन लोगों के पास जल्दी पानी नहीं आता। ये देखो ये भी एक वाटर टैंक जा रहा है भाई, यहीं से लोग पानी भरते हैं। ये गाड़ी आती है पानी वाली, तब तो लोग पानी भर पाते हैं और उसका यूज कर पाते हैं। चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ बनाई गई हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, और आगे आने पर देखो इधर शायद कोई काम वगैरह चल रहा है भाई, खाना वगैरह बनाया जा रहा है, और उधर देखो उधर भी वाटर टैंक के कार आकर खड़ा हुआ है, और इधर की झोपड़पट्टियों के हालात देखो।
ये देखो ये सामने से गटर गुजर रहा है और यहीं सामने लोग बैठते उठते हैं, यहीं पर पानी भरते हैं, यहीं पर बर्तन धुलते हैं, वहीं पर नहाते हैं और यहीं पर सारा काम लोगों का होता है। इधर देखो लोग वाटर टैंक से किस तरह से पानी भरते हुए उधर नज़र आ रहे हैं। तो देखो इन लोगों के पास भाई नल नहीं है, जैसे गाँव में नल होता है, ये लोग वाटर टैंक से ही पानी भरते हैं। ये पानी वाली गाड़ी आती है तब लोग सभी लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। तो कितना मशक्क़त यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है, किस तरह की लोग ज़िंदगी जी रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखो ये सारा जितने भी छोटे छोटे डब्बे रखे गए हैं इसमें लोग पानी भर कर रखे हुए हैं और अपना काम चलाते हैं। ये देख रहे हो झोपड़पट्टियों के सामने ही पूरा गटर है और किस तरह से लोग आने जाने के लिए रास्ता बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखो ये कितनी पतली गली अंदर जाने के लिए। अभी मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा, पूरा रूम का टूर कराऊँगा अंदर ले चल के कि इन झोपड़पट्टियों के रूम अंदर से कैसे होते हैं। ऊपर देखो कितना पॉलीथीन वगैरह डाला गया है और कटरेन डाल के पॉलीथीन डाल के इन झोपड़पट्टियों को बनाया गया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये पूरा पानी भरा हुआ है भाई, इस पूरे डब्बे में पानी भर के इसको ढका गया है। और ये भी एक पूरा का पूरा चौल एरिया है जहाँ का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मुंबई की झोपड़पट्टियों का नज़ारा है कि किस तरह से आम पब्लिक जीती है ज़िंदगी। और रोड के हालात देखो भाई, कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा यहाँ पर जमा है, पानी भी लगा हुआ है और रोडें एकदम टूटी फूटी। ये देखो यहाँ पर पानी भर के लोग रखे हुए हैं भाई। ये एक वाटर टैंक आ गया, पानी लोग भरेंगे अब भाई, इनका टाइम हो गया। ये पूरा पानी भर के आता है, लोग फिर यहीं से पानी भी भरते हैं। आइए अब हम चलते हैं अंदर और देखिए कितनी पतली गलियां हैं। इन्हीं गलियों के अंदर भैया का रूम है जिन्होंने हम लोगों को बुलाया है अंदर, मतलब वीडियो वगैरह बनवाने के लिए। तो इधर देखो इधर भी पतली गली, इधर भी पतली गली और इन्हीं गलियों के बीच में झुग्गी झोपड़पट्टियाँ। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, किस तरह से यहाँ पर रूम है अंदर का। तो गाइस अभी हम रूम में आ चुके हैं और ये कौन सी जगह भैया? मचासा पाड़ा। अच्छा, यहाँ नियर बाई रेलवे स्टेशन कौन सा है? मीरा रोड। मीरा रोड रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूर पे ये गांव है और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रूम होते हैं। इस रूम का रेंट कितना होता भैया? तो कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी 1500-2000। अच्छा 2000-1500। हाँ ये देखो भाई इस तरह से यहाँ पे हर जगह ना आपको जहाँ भी रूम रहेगा वहाँ पे ये कटरेन होता है ना, कटरेन की सीट डाली जाती है ऊपर। और देखो भैया ने चारपाई लगा के रखी है भाई, हर एक रूम में चारपाई देखने को नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पे चारपाई भैया ने लगा के रखी है। और ये है भाई किचन रूम, यहाँ पे खाना वगैरह ये लोग बनाते हैं, यहाँ पे फ्रिज है और यहाँ पे ये लोग इसमें पूरा पानी भर के रखे हुए हैं। ये है बाथरूम भाई। अच्छा बाथरूम सेपरेट है क्या भैया इसमें? बाथरूम सेपरेट है क्या? वो लैट्रिन है क्या? दोनों है। अच्छा सब है, मतलब इसी में है आपका, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबके में सेपरेट है कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं? सबका रहेगा। अच्छा है, इसी में अटैच है तो एक चीज़ बेहतर है भाई कि इन लोगों का पास में ही, मतलब घर में ही है तो दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। तो अंदर से रूम कैसा है वो आप लोग देख सकते हैं, किस तरह की ज़िंदगी होती है मुंबई में रहने वाले लोगों की। ऊपर भैया ने सामान रखा हुआ है, इधर बर्तन रखे हुए हैं, इधर गैस वगैरह, इधर फ्रिज, इधर पानी भर के रखा हुआ है, इधर छोटा सा पंखा इधर। और ये देखो भाई एक रूम ये है सोने वोने का, इधर पंखा भाई, इधर रवि बैठा है। और हाँ ऐसा लग रहा है एकदम गांव वाली फील आ रही है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है ना, बीचों बीच है ना भाई, जंगलों के बीचों बीच। तो भाई ये ना जंगलों के बीचों बीच में हम लोग आए हैं अभी। और इधर देखो क्या सामान वगैरह रखा हुआ है। और जैसे ही आप लोग दरवाजा आ रहे हैं भाई, दरवाजा खोलोगे ना, ये देखो पतली पतली गली दोनों साइड भाई, इधर पतली गली इधर पतली गली और पूरा रोल लोग यहाँ पे रूम लेके भाई ऐसे रूमों में रहते हैं। हाँ भाई बताओ ना। देखो अच्छा लगा, रूम छोटा है, अलमारी है, देखो टीवी भी लगी हुई है। अच्छा टीवी भी लगी है भाई, टीवी भी है छोटा सा। ये देखो तो ये है यहाँ का पूरा नज़ारा। ये देखो कुलदीप भाई, तो ये है मुंबई वालों की भाई ये साहब असली लाइफ। तो हम लोगों को भैया ने बुलाया था कि यहाँ पे आइए शूट कर लीजिए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग भी आए यहाँ पे पूरा शूट कर लिए, उसके बाद हम लोग खाना खा के अब यहाँ से निकलेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग को लाल बटन दबा करना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।